एक बार एक तोता बहुत दिनों से पिंजरे में कैद था। फिर एक दिन वह पिंजरे से छूट गया और जंगल में जाकर एक पेड़ पर बैठकर फल खाने लगा। तभी उसकी नजर पेड़ के नीचे बैठे एक हाथी पर पड़ी। हाथी सो रहा था। तोते ने सोचा क्यों ना हाथी महाराज को परेशान किया जाए। उसने हाथी के सिर पर चोंच मार मार कर उसे उठा दिया। हाथी ने गुस्से से तोते को कहा, तुम्हें क्या परेशानी है? तोते ने कहा, मैं तो मजाक कर रहा था। हाथी फिर से सो गया, पर शरारती तोते को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। वह फिर से हाथी को परेशान करने आ गया। अब हाथी तंग आ चुका था। हाथी वहाँ से जाने लगा तो फिर से हाथी के सर पर चोंच मारने तोता वहाँ पहुँच गया। हाथी को गुस्सा आया, उसने तोते को सबक सिखाने की सोची और वह तालाब में जाकर बैठ गया। तोते को लगा हाथी उससे डर कर पानी में छिपकर बैठ गया है। फिर तोता जैसे ही हाथी पर चोंच मारने आया, वैसे ही हाथी ने अपनी सूंड पर पानी भरकर तोते पर जोर से फेंका। तोता पानी में तड़पने लगा। हाथी को उस पर दया आई और उसने उसे बाहर निकाल दिया और वहाँ से चला गया। तोते को अपनी गलती पर पछतावा हुआ।